दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल सत्याग्रह न्यूज टीवी के साथ। ब्रेकिंग न्यूज, गोपालगंज, बिहार जन स्वराज पदयात्रा। 116वां दिन गोपालगंज में प्रशांत किशोर ने कहा, मैं जन स्वराज का नेता नहीं, इस अभियान का सूत्रधार हूँ। बोले, मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक बैठक तक नहीं की। जन स्वराज पदयात्रा के 116वें दिन की शुरुआत गोपालगंज के हथुआ प्रखंड अंतर्गत सेमराव पंचायत फुटबॉल स्टेडियम स्थित पदयात्रा शिविर में सर्वधर्म प्रार्थना से हुई। इसके बाद प्रशांत किशोर सैकड़ों पदयात्रियों के साथ परहदवा मुरा गांव से पदयात्रा के लिए निकले। आज जन स्वराज पदयात्रा गोपालगंज के हथुआ प्रखंड के सेमराव पंचायत के परहदवा और मुरा से होते हुए कसौंधी पंचायत के मोहनपुरा, विशुनपुरा, खरीतिया होते हुए पुलवारिया प्रखंड के कोयला देवा पंचायत श्रीनगर गांवों से गुजरते हुए भोरे प्रखंड में प्रवेश कर हसपुर पंचायत के भगवानपुर, डोमानपुर पंचायत के गोसैसिया गाँव, लमीछोर पंचायत के बंधु छप्पर, पश्चिम टोला लमीछोर, रकबा पंचायत के पंडितपुरा, बराई बगाहवा, खराई पंचायत के कुसाहा मैदान स्थित जन स्वराज पदयात्रा शिविर में रात्रि विश्राम के लिए पहुंची। सत्याग्रह न्यूज टीवी से बिहार समाचार संपादक मिथिलेश मिश्र की खास रिपोर्ट। और सबका काम है कि पदयात्रा के माध्यम से बिहार के हर पंचायत के लिए, बिहार का नहीं, बिहार के हर पंचायत के विकास के लिए 10 साल का योजना बनवा रहे हैं। जब पदयात्रा खत्म होगा तो बिहार के हर पंचायत के 10 साल का योजना जारी करेंगे। आप ये देख पाइएगा, वही पढ़ पाई कि आपके पंचायत में जो समस्या है, कहीं नाली नहीं है, कहीं सड़क नहीं है, कहीं विद्यालय नहीं है, कहीं अस्पताल नहीं है, कहीं खेत में पानी नहीं के पहुंचत, कहीं बाढ़ आवता, हर पंचायत में जो समस्या है इसका समाधान का उपाय बताएंगे। लेकिन समस्या का समाधान विकास नहीं है। आपको उस योजना में ये भी बताएंगे कि आपके पंचायत में बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था कैसे बनाई जाएगी। आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पर खेती किसानी करने वाले लोगों की आमदनी को कैसे बढ़ाया जाएगा। और सबसे बढ़के बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, आपको ये भी बताएंगे कि पंचायत में, आपके पंचायत में 500 से 1000 नए रोजगार के उपाय कैसे किए जाएंगे, ताकि किसी के गरीब बच्चे को, किसी गरीब के बच्चे को मजबूरी में अपना घर परिवार छोड़कर बाहर जाकर फैक्ट्रियों में मजदूरी नहीं करना पड़े। ये योजना बनवा रहे हैं। इना बताई कि है सब ठीक हो जाए, इहो बताई कि कैसे ठीक कइल जाए, ताकि आप उसको देखिए, पढ़िए, समझिए, अच्छा लगेगा तो अपनाइएगा, और नहीं अच्छा लगेगा तो फाड़ के रद्दी के टोकरी में फेंक दीजिएगा। लेकिन ये पदयात्रा का पहला उद्देश्य है। लेकिन हम तो आज चलल बानी तो हमारा पता चलता कि राउर गांव में रुआ बाजार में का दिक्कत बा। रुआ सब तो ऐजे रहता नहीं जा। बिहार में तो इतने अनुभवी लोग हैं, इतने समझदार आदमी रहते हैं, रुआ अपन समस्या सुधारत का है नहीं थी, या आप अपनी समस्या। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें,